हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो ये वीडियो जो है मैं वो एक्चुअली दो दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि दो दिन से मुझे ही एक्चुअली ठीक नहीं लग रहा था एंड थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पाई। बट ये वो एक आदत सी पड़ जाती है जब आप रेगुलर वीडियोज़ को अपलोड करते रहते हो ना, तो बस अब मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक हूँ अभी मैं फ़िलहाल। सो आई विल कंटिन्यू अगेन। मुझे लग रहा है ना वो बीच में जो हम लोग आम दबा कर खा रहे थे ना, तो वो आम ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी थी, जिस वजह से मतलब एक तो गर्मी का मौसम है, ऊपर से ये देख रहे हो ये अभी थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज ये फेस पे ना पूरी स्वेलिंग भी आई हुई थी मेरे। मैं ये को एक तो फोड़ी हो गई है, तो आम खा खा के हो गया ना अभी। तो बस यही सब रीज़न थे, मुझे ठीक नहीं लग रहा था, मतलब मैं क्या ही अपसेट करूँ आप लोगों को भी, तो इस वजह से मैंने दो दिन वीडियोज़ कुछ बनाए नहीं थे। और आज अभी सब काम हम निपटा के आरव को एक्चुअली क्लास छोड़ा था मैंने, तो उसको लेकर आया। और स्पेशल डे है आज, वो है मम्मी दादी दादा का एनिवर्सरी है, इसी बात पे मैं क्या किटकैट शेक पीने आया हूँ। गुड बाय। बस यही बात है, तो मैंने सोचा ये किटकैट किटकैट के लिए जिद कर रहा था, ठीक है चलो इनको जूस पिला देते हैं और मम्मी पापा के लिए कुछ ले लेते हैं एज अ गिफ्ट। आई होप आप लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे, बिकॉज हाँ हाँ आई। तो यहाँ पर हमारा जो जूस है वो रेडी हो चुका है, लेकर आ जाओ ना यार। एक काम करते, मैं लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मेरा पाइन एप्पल सोडा है, इसमें दो ग्लास है ताकि गिरे नशा, और आपका किटकैट शेक रेडी, चलो उसको पी लेते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ रीज़न था जिस वजह से मैं दो दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही थी, और आज आई हूँ तो बोला नहीं बस हो गया। और मुझे आज एक्चुअली ठीक लगा, मेडिसिन वगैरह ले लिया था, तो अब ये सोचो कि मम्मी पापा के लिए ले क्या, कोई आइडिया दो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। केक वगैरह तो हम लोग नॉर्मल रहते हैं, और ऐसा हो जाता ना कि केक इतने हो जाते हैं कि बच जाते हैं और लास्ट में फिर यूज़ नहीं, मतलब कोई खाता ही नहीं उसको, फिर क्या किया जाए। एकदम प्योर चॉकलेट मज़ा आ रहा, चॉकलेट सोच रहे हो क्या। और विदाउट केक वगैरह तो होगा भी नहीं ना, वो तो लेना ही पड़ेगा, और उसके अलावा क्या लूँ जो उनको पसंद है, सोचती हूँ। मेरे तो हो गए जल्दी। मैं एक्चुअली वही सोच रही हूँ कि क्या गिफ्ट लूँ। अभी रिसेंटली यही मैंने मदर्स डे तो आने वाला है, वुमेंस डे के दिन मैंने मम्मी को वॉच, स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया था, आज क्या गिफ्ट ऐसा करूँ, नो आइडिया। मतलब ऐसे मुझे ऐसा कोई चीज़ याद नहीं आ रहा कि जो दे सके अच्छे से, लाइक एक काम करते जो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पसंद है ना, मैं आज वो सारी चीज़ें पैक करके लेकर चलती हूँ। हेडफोन भी अभी हम लोग ने लिया था, मैं दादी दादा हम लोग गए थे सब शॉपिंग करने के लिए तभी। देख सोचती हूँ, अब एक काम करते हैं, ये केक शॉप है ना, यहाँ से हम लोग पेस्ट्री वगैरह कुछ ले लेते हैं। चॉकलेट नहीं लेंगे यार, मतलब बड़ा वाला केक मेरे लिए, आप चॉकलेट हाँ आपके लिए लेते, बड़ा वाला केक नहीं लेंगे अपन, बड़ा वाला बहुत बच जाता है यार, पता है। अरे यार थोड़ा अभी चाचा की एनिवर्सरी थी जब पूरा केक बच गया था, कोई नहीं खा रहा है, तो क्यों वेस्ट करना, छोटा छोटा सही लेते। अच्छा छोटा मतलब ये वाला। अच्छा सुनिए ना, एक रेड वेलवेट कर दो, एक ये चॉकलेट कर दो, और एक चॉकलेट कर दो ये वाला। तुम दादी दादा के साथ में अपना भी लेते जा रहे हो सब। हम मम्मी पापा के लिए स्पेशल उनको जलेबी पसंद था, तो जलेबी ले लेते हैं। मेरा फेवरेट ये शेव ज्यादा। अच्छा काजू कतली भी हो गया, टोटल कर दो अभी, इसमें डाल दो, अगली बार कोई पूछेगा ना सबको यहीं पर लेकर आना, देखो मैं मोटा हुई हूँ। बच्चे थैंक यू, चल बाबू चल। सब लेने का आ चुके हैं, जो समझ में आया वो ले लिया है, बाकी का देखेंगे। रात बाकी बात बाकी, क्या धूप है, हालत हो गई आज धूप में निकल के, मतलब खोलो भाई जरा खोल दो।
थैंक यू। ये क्या है भाई? ये आप दोनों जन के लिए कुछ है, जो समझ में आया वो ले लिया है और जो नहीं समझ में आया शाम को देखेंगे। लाइट को भी अभी जानी थी। हाँ आ जाओ, हैप्पी एनिवर्सरी। जो समझ में आया वो लेकर आए हैं। थैंक यू। बहुत दिन हो गए मेरे वाला लेकर। इसके लिए वेरी 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 थैंक यू। और केक भी लाया है, वो अंदर रखा है। और मेरी मेरा मन पसंद है। हाँ इजीली। और ये पापा और आरफ के लिए हो गया। हाँ। वो अपना भी जुगाड़ करते हुए आए। निकालूं, खाओगे अभी? हाँ निकाल दो। पापा तो पहले हाँ बोलेंगे। पापा जलेबी लेंगे आप? हाँ। मैंने सोचा रबड़ी भी लेते हुए चलो, फिर मैंने बोला ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आज मीठा। हाँ एक एक ही टुकड़ा रखूंगी बस। और सबसे अच्छा तो ये है। ये क्या है? टू। अरे वाह, एक आरव ने बोला मुझे चाहिए, एक आपके ले लिया और एक पापा के लिए। आरव का कौन होगा? यही होगा। हाँ, चॉकलेट उसे नहीं लेता। आप ये वाला ट्राई करो, रेड वेलवेट वाला। चम्मच लेकर रहती हूँ ना। सोचा इस बार बड़ा केक नहीं लेते, वो पूरा वेस्ट फेंकने में हो जाता है। ये अपन मस्त। अच्छा इनको खिलाओ जिनको खिलाना चाहिए। अरे खुद खाओ, ये लो, इनको लाना चाहिए मेरे लिए। वो अभी शाम को लेकर आएंगे ना। लेना किराना खाना। ये देखो क्या है, काम कर रहे बेचारे। पूजा गिरियो, ठीक से मुंह करो यार। लाइट आ गई। चलो लाइट भी आ गई। हैप्पी एनिवर्सरी। बिना काटे ही खाना शुरू। बढ़िया, अच्छा है ना? चीटिंग। आपको बोल के खुद खा लिए। खुद खा लिए। ये देखो मम्मी सो रही थी, सो रही है एक्चुअली। और ये बच्चा है चुपचाप से उनका फोन ले जाने के लिए, और मेरी आँख खुल गई थी इसी टाइम। क्या बोलने का। तो हो चली है शाम, और एक्चुअली अब इनका भी फोन आया था, तो ये वही बोल रहे थे आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो खाने वाने का क्या सीन है। तो ये डिसाइड हुआ कि खाना जो है वो हम बाहर से मंगा लेंगे, और रोटी वगैरह कुछ सेकनी रहेगी तो वो मैं जिम से आने के बाद सेक दूंगी। तो एक काम करती हूँ, फटाफट जिम जाकर आती हूँ और फिर मस्त सेलिब्रेट करेंगे। बाहर निकलते ही कितनी ठंडी ठंडी मस्त हवा चलती है। ओह हो, चलो फोन को डाल देते हैं बाद में। कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, स्टोर बंद होने लगे हैं। सुबह के लिए नाश्ता नहीं रहेगा फिर इनको। आई थिंक इससे काम चलाना पड़ेगा। तो आ चुके हैं घर पे। हेलो। ओके, तो आ चुके हैं घर पे। एक्चुअली इनका केलॉग्स भी खत्म हो गया था तो बाजू में था, मैंने बोला वो भी ले लेती हूँ। फिर खाना भी ऑर्डर करना था, मैंने बोला यहाँ पर ही हूँ तो खाना भी ऑर्डर कर देती हूँ। उसके बाद अब घर पे जाती हूँ ऊपर फ्रेश होके, सिर्फ रोटी सेकना रहेगा गर्मा गर्म। इनको रोटी इनको तो चाहिए, तो अब वो एक काम निपटाते हैं। लेट्स गो। और खाना रेडी। चलो मैं यहाँ से आ जाती हूँ। जल्दी करना यार, फोटो लेना, वीडियो ले रही है। Happy anniversary, mom and dad. Digital वाले, digital वाले, state वाले. Digital वाले, digital वाले.
क्या हो रहा है? ये कितना अच्छा आज हम एक्चुअली मुझे भी याद दी था, मुझे 8 तारीख याद था बट आजकल नहीं आता तो हमारे डिजिटल वाले को एक साल पता नहीं के खिला रही इतना सा कितना देखो मैंने ज्यादा खिलाया चाकू से खिलाया मम्मी चाकू मैंने खिलाया ज्यादा खिलाया ये 43 एनिवर्सरी 40 साल हो गया 43 इयर्स एक साथ कैसे मम्मी मैंने कहा खाया अड्डू थैंक यू अड्डू अपन खुदे करो खुदे आजब कटो माइक कर ऐसा एम्प्लॉय जो मुझे कभी पैसे नहीं लेता जो पैसे से पैसे देता है उनका सैलरी नहीं देता जो प्रॉफिट प्रॉफिट भी मुझे देता है सैलरी भी मुझे देता है आज कहाँ खाया सिर्फ काम करता है तो यहाँ पर हम खाना सर्व कर लेते हैं ये राइस हो गई तुम कुछ हेल्प नहीं कर सकते यार बस तुम खा लोगे टाइम से ना तो ज्यादा अच्छा तुम खा नहीं रहे ओके तो खाना वाना खा के अब हम आ चुके हैं नीचे घर पे अब करती हूँ मैं इस व्लॉग को एंड और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यार कि प्लीज हम 500 सब्सक्राइबर के नाम बहुत ही ज्यादा नजदीक में है बहुत ज्यादा करीब में है तो अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कल सुबह एक नए ही ब्लॉग के साथ में तब तक के लिए गुड नाइट